बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट के हवाले से आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है। तो आज के लेक्चर में हम ये दो टॉपिक्स जो है ना वो कवर करेंगे। तो चलते हैं जी हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि टू डी लेक्चर्स ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हैं और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है। तो वन बाई वन करके हम इसकी जो है ना वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर लेती हैं। सबसे पहले जी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हमने सिंपल इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट देखी थी, जिसमें क्या क्या था कि पूरे प्रोग्राम में हमारे पास एक ही इफ कंडीशन दी होती है और उसकी आगे जो है ना वो नीचे जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर तो आपने वन वे डिसीजन लेना हो, यानी कि आपके पास एक ही कंडीशन और आपने ये देखना हो कि ये आया कि ये कंडीशन ट्रू होने के बाद स्टेटमेंट रन हो कि ना हो, तो फिर सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और जबकि आप इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट में आप ये करते हैं तो उसमें आपने टू वे डिसीजन लेना होता है। कंडीशन एक ही होती है, अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन जो है ना वो आपकी स्टेटमेंट वन जो है वो आपकी जो है वो रन हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। और अदरवाइज अगर फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होने की सूरत में भी आपकी जो स्टेटमेंट टू है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये आपने सिंपल जो है ना वो इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट आपने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। इसमें अब क्या है कि इसमें ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, एक से ज़्यादा जब आपके पास कंडीशन हो तो उसको आप फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के जरिए जो है ना आपको डील करते हैं। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा डिसीजन लेनी हो तो आप क्या करेंगे, जो ज़्यादा इफ़ कंडीशंस आप यूज़ करेंगे। जब एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा आप कंडीशंस को यूज़ करेंगे तो देन आपके पास कौन सी आपके पास फिर ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में ये किया जाता है कि आपके पास एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन के अंदर मज़ीद कंडीशंस होंगे। ठीक है, यानी कि आपने एक डिसीजन ले लिया, अगर तो वो ट्रू हो जाता है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वो अंदर एक स्टेटमेंट होगी, वो स्टेटमेंट के अंदर जो है ना वो एक और कंडीशन होगी। ठीक है, और इसी तरह वो अगर मज़ीद वो भी ट्रू हो जाता है तो वो मज़ीद इनर जो है ना वो कंडीशन के अंदर चले जाएगी। इस तरह की जो कंडीशंस होती है इसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। और इसी तरह अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी, वो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट भी हो जाएगा, एंड भी हो जाएगा, या फिर आपके पास एक एंड अदर इफ़ कंडीशंस आ जाएगी। तो इस तरह करके हम जो है ना वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को अपने प्रोग्राम कोडिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स की ज़रूरत वहाँ पे महसूस होती है जब आपने क्या करना होता है, जब आपके पास कंडीशंस ज़्यादा होती हैं, यानी कि मल्टीपल आपने डिसीजन लेने होते हैं। जब आपने मल्टीपल डिसीजन लेने होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप नेस्टेड इफ कंडीशंस या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को आप यूज़ करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन के अंदर मज़ीद कंडीशंस होती हैं, और जो आउटर कंडीशंस होगी उसको, जो बाहर वाली कंडीशंस होगी उसको हम आउटर कंडीशन कहेंगे, जो कंडीशंस के अंदर स्टेटमेंट में एक और कंडीशन होगी उसको आप इनर कंडीशंस कहेंगे। तो इसी तरह एक कंडीशन के अंदर मज़ीद कंडीशंस हो सकती हैं, जो बाहर वाली कंडीशंस है वो आउटर कंडीशंस कहलाएगी और जो अंदर वाली कंडीशंस है वो इनर कंडीशंस कहलाएगी। इसका हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सिंटैक्स भी देखेंगे, आप मज़ीद फिर इसको अच्छे तरीके से समझ कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि जब आपने मल्टीपल कंडीशंस को लेना होता है, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना होता है, तो फिर आप नेस्टेड इफ कंडीशंस या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस के लिए आप ये कंडीशन को यूज़ करते हैं। और इसमें आप ये इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी जो है ना इफ़ कंडीशंस इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक कंडीशन इसके अंदर आप मल्टीपल या जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी कंडीशंस को आप अप्लाई इफ़ कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा इनर कंडीशंस तभी एग्जीक्यूट होती है जब आउटर कंडीशन ट्रू होगी। अगर आउटर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो आपकी इनर कंडीशंस को जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो लिहाजा इनर कंडीशंस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो आपकी आउटर कंडीशंस हैं उसको ट्रू होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वो आपकी जो इनर कंडीशंस है वो स्किप हो जाएगी, तो प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नेक्स्ट कंडीशन पर चली जाएगी। तो उसकी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसे आप बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स क्या है। इस सिंटैक्स में आप ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए जी, आपके पास कंडीशन है इफ, अंदर कंडीशन लगाई हुई, ये कंडीशन वन है, और आगे की क्या लगाया हुआ है, ओपनिंग ब्रेस है और क्लोजिंग ब्रेस होगा। अब ये देखिए जी, कंडीशंस के बाद क्या होगा, हमारी स्टेटमेंट नंबर वन आ जाएगी। अब ये स्टेटमेंट नंबर वन है, अब ये कब स्टेटमेंट नंबर वन एग्जीक्यूट होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट नंबर वन एग्जीक्यूट हो जाएगी।
अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज ये हो जाएगा आपकी जो कंडीशंस टू है। अब ये देखें इसी के अंदर एक और कंडीशन है, कंडीशंस टू। अब ये कंडीशन इसके अंदर एक और कंडीशन है, ठीक है। अब ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये कंडीशन वन एग्जीक्यूट हो जाएगी और ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट नंबर वन रन होगी। और स्टेटमेंट नंबर वन आपकी क्या है, वो स्टेटमेंट नंबर वन जो है ना वो आपकी एक और कंडीशन है, यानी कि ये जो इफ़ कंडीशन टू है ये आपकी स्टेटमेंट वन है, ठीक है। अब ये कंडीशन टू होती है तो फिर क्या हो जाएगा, आप जो है ना वो लूप के अंदर एंटर हो जाएगा और आपके पास एक और कंडीशन आ जाएगी स्टेटमेंट के तौर पे। अब ये एक और कंडीशन है और ये तब एग्जीक्यूट होगी जब ये ट्रू होगी, यानी कि इसमें अब दो कंडीशंस लगती हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करेगा, वो आपकी प्रोग्राम बॉडी के अंदर आ जाएगा, स्टेटमेंट नंबर वन एग्जीक्यूट होगी। और स्टेटमेंट नंबर वन क्या है, वो आपकी एक और कंडीशन है और ये भी एग्जीक्यूट तब होगी जब ये ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी पहले ही कंडीशन वन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, जब फॉल्स हो जाती है तो ये फिर क्या करेगा, ये ट्रू फॉल्स कंडीशन पे चले जाएगा या स्टेटमेंट नंबर टू पे चला जाएगा और यह प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तो था इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर। जब आपने मल्टीपल डिसीजन लेने और जिसमें मल्टीपल आपने इफ कंडीशंस को यूज़ करना हो तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग के लिए हमने इसका फ्लो चार्ट बनाया, इसका डायग्राम बनाया, इसे आप जो है ना बेहतर तौर पर जो है ना वो समझ सकते हैं कि इसको हम कैसे जो है ना वो ऑपरेट करेंगे, इसको प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में क्या हुआ है, इस डायग्राम से हमारे पास दो कंडीशंस हैं, इसमें दो कंडीशंस इफ कंडीशंस यूज़ हो रही हैं, ठीक है। वो किस तरह यूज़ हो रही हैं उसको हम वन बाई वन करके देख लेते हैं। जैसा कि ये देखिए जी, ये प्रोग्राम का स्टार्ट है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। प्रोग्राम स्टार्ट होती क्या आ जाती है, आपकी कंडीशन वन आ जाती है, ये इफ़ कंडीशन वन आ जाएगी। अब ये देखें, अगर तो ये इफ़ कंडीशन वन आपकी फॉल्स हो गई, ये देखिए जी फॉल्स हो गई, ये अगर फॉल्स हो जाती तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोग्राम जो है ना वो इनर बॉडी जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर क्या हो जाएगा, प्रोग्राम आपका एक और स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। या तो एक और स्टेटमेंट भी या एक सेट ऑफ ब्लॉक्स पे आ जाएगा तो ये आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा तो फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा, अगर यहाँ पे ब्लॉक होगा तो फिर एल्स वाला पार्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये देखें, और उसके बाद फिर एंड हो जाएगा। हाँ, अगर ये कंडीशन वन है, अगर आपकी इफ कंडीशन वन फॉल्स नहीं होती, ट्रू हो जाती तो ट्रू होने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम की बॉडी के अंदर एंटर हो गया, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम बॉडी है यहाँ पे एक और कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। ये एक और कंडीशन आ जाएगी और ये कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये कंडीशन वन ट्रू होगी देन ये आपकी कंडीशन टू जो है ना वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन वन ही आपकी फॉल्स हो जाती तो फिर ये प्रोग्राम बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा और ये जो इनर कंडीशंस है, ये आपकी जो कंडीशंस के अंदर एक और कंडीशंस है एफ वाली, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक और कंडीशन चेक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ और कंडीशन ट्रू आ गई है, अगर यहाँ पर ये फॉल्स हो जाती तो ये प्रोग्राम बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने पर क्या हो जाएगा, वो आपकी अदर स्टेटमेंट पे चला जाएगा, अदर ब्लॉक पे चला जाएगा, एस वाले पार्ट पे चला जाएगा, ये आपकी प्रोग्राम टर्मिनेशन वाली साइड पे चला जाएगा। और अगर ये कंडीशन टू जो कंडीशन टू है ये ट्रू हो जाती है तो फिर आपकी क्या होगी, इनर बॉडी के अंदर जो प्रोग्राम की बॉडी होगी, प्रोग्राम बॉडी होगी, वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा और उसके बाद जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट शो करवाएगा और इस तरह आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम उसके बाद एंड हो जाएगा, टर्मिनेट होकर एंड हो जाएगा। ये तो था आपका सिंपल सो जो है ना वो नेस्टेड इफ की वर्किंग और इसका फ्लो चार्ट, और इस तरह से ये जो ना आपका प्रोग्राम जो है ना वो रन होता है और इस तरह से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है, वो बात सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली ये होती है कि एक कंडीशंस के अंदर एक और कंडीशंस होती है, ठीक है, तो देन आपकी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बनती है। अगर कंडीशंस के अंदर मजीद कंडीशंस नहीं होगी तो ये आपकी नेस्टिंग डायग्राम नहीं बनेगी, नेस्टिंग वर्किंग नहीं बनेगी। और ये जो इन आपकी जो बाहर वाली कंडीशंस होगी, ये जब ट्रू होगी देन आपकी क्या होगा, प्रोग्राम की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और जब प्रोग्राम बॉडी के अंदर एक और कंडीशंस होगी तो ये कंडीशंस आपकी इनर कंडीशन कहलाएगी और जो आपकी बाहर वाली जो कंडीशंस होगी इसको आउटर कंडीशन या आउटर इफ स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये ट्रू होने की सूरत में जो है ना वो आपकी जो कंडीशंस है इनर कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, अगर फॉल्स हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा या वो एंड अदर स्टेटमेंट पे चला जाएगा। तो ये तो इसकी सिंपल सी वर्किंग थी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को, इफ कंडीशंस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकती हैं और उससे आप मल्टीपल किस्म के डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, उस सड़क के ऊपर क्या होता है, दोराहा आ जाता है,
दोहराहा आ जाता है, यानी कि जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं वहाँ से आपने डिसाइड करना होता है कि आपने कौन से रास्ते पे जाना है, ठीक है। तो अगर तो आप लेफ्ट हैंड रूट चूज़ करेंगे, तो अगर ट्रू होगा तो आप लेफ्ट हैंड रूट चूज़ करेंगे अगर आप कंडीशन लगाते हैं। इसी तरह अगर आप जो आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, आप राइट हैंड रूट चूज़ करेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा अगर आप लेफ्ट हैंड रूट पे जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे एक और दोहराहा आ जाएगा, उस पे एक और कंडीशन आ जाएगी कि अगर यहाँ पे जो आपका वो जो कंडीशन ट्रू होती है तो आप लेफ्ट हैंड रूट चूज़ करेंगे, और इसी तरह अगर ट्रू फॉल्स हो जाए तो राइट हैंड चूज़ करेंगे। तो ये तो था एक सिंपल क्या इसकी नेस्टेड इफ की जो है वो वर्किंग और इसका स्ट्रायर। अगर देखें इसी तरह आपने, मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल से बताया था कि अगर सिंपल इफ स्टेटमेंट होगी तो उसमें सिंगल वे रूट है, और उसमें क्या करना होता है कि आपने जाना है कि नहीं जाना है, वो दो ही डिसीजन है। अगर तो आपका वो कोई कंडीशन लगाते हैं, अगर वो ट्रू हो जाती है तो आप उस रोड पे चले जाते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप रोड पे जाती नहीं है। ये तो सर सिंपल है इफ स्टेटमेंट। इस तरह सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या करते हैं, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट में आप एक रोड पे जा रहे हो, आपको दो वहाँ पे रास्ते मिलती हैं, आपने डिसाइड करना होता है कंडीशन लगाती है। अगर आपने डिसाइड करना होता है कि अगर ये कंडीशन, अगर आपने कोई कंडीशन लगाई वो ट्रू हो जाती है तो आप क्या करते हैं, कहते हैं जी मैंने राइट हैंड रूट पे जाऊंगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप कहेंगे मैं लेफ्ट हैंड रूट पे जाऊंगा। तो ये तो था इफ एल्स स्टेटमेंट की एग्जाम्पल। इसी तरह नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में ऐसे होता है कि आपने क्या करना होता है, आपने सिंपल इफ वाली कंडीशन लेनी होती है, वहाँ से आपको आपने रूट के अंदर मजीद रूट चूज़ करने होते हैं, यानी कि एक ही रूट के ऊपर आप जा रहे हैं, वहाँ से दोहराहा आ जाता है, दो रास्ते आ जाते हैं, वहाँ से आप कंडीशन लगाते हैं, ट्री होने की सूरत में लेफ्ट हैंड रूट चूज़ करते हैं, पास होने की सूरत में राइट हैंड रूट चूज़ करते हैं। इसी तरह आप जब चूज़ करके एक कंडीशन को आप एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, अगर वो आप ट्रू वाले रूट पे जाएंगे उस रूट पे जाके एक और दोहरा आ जाएगा, यानी कि आपके रास्ते के अंदर से मजीद रास्ते निकलते जाएंगे, शाहें निकलती जाएंगी। तो ये थी इसकी नेस्टेड इफ की एग्जाम्पल। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आगे इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने तीन एग्जाम्पल दी हुई हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वन है ऑल इफ कंडीशन आर ट्रू। अब ये देखें एग्जाम्पल वन में जो हमने प्रोग्रामिंग कोडिंग दी हुई है, अगर तो आपकी तमाम कंडीशन ट्रू हैं तो ये अपने ये अगर आप चाह रहे हैं कि तमाम कंडीशन ट्रू हैं उसकी एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं, तो ये देखें कोड है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी है, इंट मेन है, ये आपका प्रोग्राम का मेन है, इस तरह ओपनिंग ब्रेस है, ये आपका क्लोजिंग ब्रेस है, ठीक है। यानी कि जितना आप जो भी आपने ओपनिंग ब्रेस यहाँ डालना है तो उसका आपने क्लोजिंग ब्रेस उसका लाजमी लगाना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा। अब ये देखें आपने यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कर लिया और साथ डिक्लेरेशन भी कर लिया, इंट ए इज इक्वल टू 10 और आप इसी तरह इंट बी इज इक्वल टू 28। जब आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर भी कर लिया और वैल्यूज़ भी वेरिएबल को असाइन कर दी, उसके बाद आपने क्या किया, ये इफ़ कंडीशन लगाई, इफ इंटू ए इज इक्वल टू 10, यानी कि अगर ए है, ए बराबर आता है 10 की, तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन ये चेक होगी, अगर ये आ जाता तो फिर क्या करें, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज ए, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, आउटपुट आपने स्क्रीन के ऊपर शो करी, आउटपुट स्टेटमेंट से आपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करा वैल्यू ऑफ ए इज़, तो इसी तरह सेम एज इट इज़ जो है ना स्क्रीन के ऊपर मैसेज ये वाला आउटपुट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज़ ये आ जाएगा। अब ये जो आगे ए लिखा हुआ है, ये है वेरिएबल का नेम, ये वेरिएबल कौन सा है, ये इंट ए वाला, इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर है, 10, तो इसी तरह वो क्या करेगा, इसके अंदर वेरिएबल ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसका ये इस स्टेटमेंट का ये फंक्शन था। अब इसी तरह एक और कंडीशन लगा दी, अब ये देखें एक कंडीशन जब एग्जीक्यूट होगी उसके आगे एक और कंडीशन आ जाती है, इफ बी इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो सेकंड इफ कंडीशन वेरिएबल बी इज चेक्ड, अब इसमें वेरिएबल बी चेक्ड होगा, और अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर क्या करेगा, स्टेटमेंट क्या है वो ये एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट क्या है वो कौन सी, वैल्यू ऑफ बी इज, अब ये इसी तरह स्क्रीन के ऊपर आउटपुट स्टेटमेंट, तो स्क्रीन के ऊपर वैल्यू ऑफ बी इज ये इसको इतने हिस्से को जो है ना स्क्रीन पे आउटपुट शो करवा देगा, और आगे बी लिखा हुआ है ये देखें, और बी के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर है, 20, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो इसके अंदर बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो उसको स्क्रीन के ऊपर शो करा देगा, वैल्यू ऑफ बी इज 20। तो इसमें क्या होगा, पहली कंडीशन ट्रू भी होगी और इसके अंदर जो दूसरी कंडीशन है ये भी ट्रू है, इसमें इस मीन की इसके अंदर जितनी भी कंडीशन है ये सारी ट्रू है, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगी। ये इसकी एग्जाम्पल थी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की, ठीक है। यानी कि जब तमाम कंडीशन ट्रू हो तो फिर आपके ये इसकी एग्जाम्पल ये प्रोग्राम बनता है। इस तरह एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओनली आउटर इफ कंडीशन इज ट्रू। अब आपके पास मैंने जैसे कि आपको बताया कि आउटर कंडीशन होती है और एक इनर कंडीशन होती है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में। अब इसमें क्या होगा,
कि अगर आपकी आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या होता है। अब ये देखिए हैश इंक्लूड हैश ट्री में यूजिंग नेम स्पेस एंड इंट मेन आगे ओपनिंग ब्रेस है। अब यहाँ पे भी आपने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर भी कर ली और वैल्यूज भी असाइन किया थी। इंट ए इज इक्वल टू 10 है, इंट बी इज इक्वल टू 20 है। अब पहली कंडीशन क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू 10, यानी कि अगर ए बराबर है 10 के, यानी कि ए के अंदर 10 है, तो फिर आपको पता है वाकई बात है ए के अंदर 10 है। अगर ए के अंदर 10 है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाली आपकी जो स्टेटमेंट है सी आउट वाली, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। कौन सी वैल्यू ऑफ ए इज, आगे ये आ जाएगा ए, ए के अंदर कौन सा 10 है, तो ये इसकी स्क्रीन के ऊपर ये शो करवा देगा, ठीक है। और इसी तरह ये देखें, अब एक और कंडीशन आ गई है, इफ़ बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब ये देखिए बी के अंदर 30 नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई है, बी के अंदर क्या है 20 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फ़ाल्स है। अब ये कंडीशन फ़ाल्स होगी तो फिर ये वाली जो स्टेटमेंट है बी इज वैल्यू ऑफ बी इज, ये वाली आपकी जो आउटपुट स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो लिहाजा जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी तो स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन ट्रू थी, तो लिहाजा आपने उसने क्या कर दिया, पहली कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो तो पहले वाली उसको एग्जीक्यूट करवा दिया, और जो दूसरी की फॉल्स होने पर, अब ये फॉल्स हुई है तो फॉल्स हुई तो कोई कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो लिहाजा ये आपकी जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज नहीं आएगा। इसी तरह एग्जाम्पल 3 है, अगर इसमें क्या होता है, इसमें आउटर कंडीशन तो आपकी क्या होता है, इसमें इनर कंडीशन इफ कंडीशन इज ट्रू बट आउटर इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर देखें आपके पास आउटर कंडीशन फॉल्स और इनर कंडीशन ट्रू है तो देन क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ तक तो आपको पता है, आगे यहाँ पे सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए इज इक्वल टू 10, और डिक्लेयर भी किया ए के अंदर वैल्यू को स्टोर भी करवा दी, और बी इज इक्वल टू 20। अब ये देखिए ये आपकी आउटर कंडीशन है, इफ ए इज इक्वल टू 50, डेफिनेट बात है। अब ये आपकी आउटर कंडीशन है, जैसा कि अब ये देखिए पहले ही कंडीशंस हुए हैं ना, वो आपकी आउटर कंडीशंस, ये आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। अब ये देखिए ए इज इक्वल टू 50 लिखा हुआ है। अब ये देखें, अब ए के अंदर स्टोर वैल्यू क्या है 10, और यहाँ पे क्या कह रहा है वो 50। अब देखें 10 इज इक्वल टू 50, ये तो फिर कंडीशन फॉल्स होगी। अब जब ये कंडीशंस आपकी फॉल्स होगी है, अब ये देखिए ना, जब ये कंडीशंस आपकी फॉल्स होगी तो फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स होने की सूरत में ये जो स्टेटमेंट है ये फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये देखिए ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब जैसे कि पहली आपकी आउटर कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो जाती है, जब आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो गई है तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी जो इनर कंडीशन है ये एग्जीक्यूट किसी सूरत में भी नहीं होगी। अब ये देखिए आगे फिर क्या होता है, कंडीशन ज़ाहर बात आपको पता है कि मैंने कहा कि इनर कंडीशन उसी वक्त एग्जीक्यूट होती है जब आउटर कंडीशन ट्रू होगी। अब जो आउटर कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो गई है, ठीक है, तो फिर इन कंडीशंस जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो लिहाजा इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं आएगी, जीरो आएगी, ये आउटपुट रॉन्ग लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको प्रोग्राम को आप ये जो तीनों प्रोग्राम इसको ट्राई करके आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करें, कंपाइलर के अंदर ये सारी कोडिंग लिखें और लिख के इसकी आउटपुट जनरेट करें, और आउटपुट जनरेट करके जो हमारे ग्रुप्स बने उसके अंदर आप लाजमी इसकी आउटपुट शेयर करें, ये आपकी होमवर्क असाइनमेंट है। अब बात करते हैं जी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की, ये इसको आप इफ़ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। अब इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो और एक ही कंडीशंस हो तो देन आप क्या करते हैं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। यानी कि आप कंडीशंस आपने क्या करना है, एक ही लगानी है और आपने एग्जीक्यूट क्या करवानी है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है, तो फिर आप इफ एल्स इफ जो लैडर इसको यूज़ करते हैं। जबकि आपने जो प्रीवियस जो है नेस्टेड इफ में क्या किया था, उसमें ये था कि आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स तो थी लेकिन उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस भी थी, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी और मल्टीपल कंडीशंस थी। इसके अंदर क्या है, कंडीशंस आपके पास एक ही है और स्टेटमेंट आपके पास मल्टीपल है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, जैसे कि ये दिखा इफ कंडीशंस कंडीशंस वन है, अब ये इसकी ओपनिंग ब्रेस है और इसकी क्लोजिंग ब्रेस है, कोड शुड बी एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज ट्रू। अब अगर ये जो कंडीशन है ट्रू हो जाती है तो ये आपके ये जो ब्रेसिस के अंदर जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फिर आपका एल्स आ जाएगा। अब एल्स वाला पार्ट आ गया, अब एल्स है, एल्स के आगे एल्स में क्या है, एल्स के अंदर एक और कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अब इफ़ कंडीशन, ठीक है, आगे ये प्रोग्रामिंग, अगर ये कंडीशन ट्रू जो है वो ट्रू हो जाती है तो फिर इसके अंदर ब्रेसिस के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, वो एल्स पे चला जाएगा। अब एल्स में एक और कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, आपका जो वो फिर एल्स पे चला जाएगा। इस तरह करके आप एल्स कंडीशन के अंदर जो कंडीशन वाइज कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जैसे आप लैडर देखते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते जाते, इसी तरह ये लैडर की तरह के एक वो
एक वो आपका स्कोप बन जाएगा और इस तरह एग्जीक्यूट होता जाएगा। ये तो था इसका आपका जो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर। तो इस तरह क्या कर रहे हैं, हमारे पास कंडीशंस देखें, हमारे पास एक कंडीशन है और उसके अंदर जो है ना वो मजीद एल्स वाले पार्ट में हम आप मजीद कंडीशंस को यूज़ करते जाते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था इफ एल्स वाला देखा था, इफ अगर जो पार्ट है वो इफ पार्ट उसी वक्त जो है वो एग्जीक्यूट होता है, उसकी जो स्टेटमेंट वन उसी वक्त एग्जीक्यूट होती है जब इफ कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज क्या करेगा वो एल्स पे चला जाएगा, एल्स पे क्या करेगा वो दूसरा कोड जो है ना वो रन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एल्स वाला पार्ट अगर आपका जो ट्रू हो जाता है तो आपकी कंडीशन जो स्टेटमेंट वन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा वो एल्स पार्ट पर चला जाएगा और एल्स पार्ट पर एक और कंडीशन दी है। इसी तरह वो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये वाला जो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज क्या करेगा फिर एल्स पे चला जाएगा, एल्स पे एक और कंडीशन। इस तरह करके आप मल्टीपल जो कंडीशंस को आप अप्लाई कर सकते हो और एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये तो था आपका सिंपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स का जो लैडर स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल कैसे है, जैसे हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस एसएसडी है, इट्स मेन है, ये आपकी ओपनिंग ब्रेस है, इंट नंबर है, आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम नंबर लिखा है, ठीक है, और सेमी कोलन है, आपने क्या किया सी आउट टू चेक द ग्रेड एंटर नंबर। अब वो यहाँ पे आपने क्या किया एक आउटपुट स्टेटमेंट लगा दिए और स्टेट आउटपुट स्टेटमेंट क्या है, आपने स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं चेक द ग्रेड एंटर नंबर। अब ये सेम एज इट इज़ जो है ना वो डबल कोट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई एज ए स्क्रीन के ऊपर आप प्रिंट करवा देंगे, देखें जी ऐसे ही प्रिंट करवा देगा। अब आपने क्या किया, अब आपने नंबर लेना है तो क्या करेंगे, इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, सी एन लिखा और आपने नंबर लिख दिया, ठीक है, ये नंबर लिख दिया, इससे क्या होगा आप ये नंबर गेट होगा आपके वो कीबोर्ड से नंबर गेट हो जाएगा, आप ये फिर क्या करेंगे आप नंबर को भी पुट कर देंगे और इससे वो क्या हो जाएगा कीबोर्ड से जो भी नंबर टाइप करेंगे वो आपका इसके अंदर नंबर जो डाटा टाइप है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कंडीशन लगा दी इफ नंबर लेस देन ज़ीरो, अगर तो नंबर लेस देन ज़ीरो है एंड इक्वल टू नंबर ग्रेटर देन हंड्रेड, ठीक है, और अगर नंबर आपका जो वो ग्रेटर देन हंड्रेड है तो फिर क्या करेगा, फिर अगर ये दोनों सूरत में अगर एक भी दोनों सूरत में अगर आपकी ट्रू हो दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो देन आपकी ये जो ब्रेसेस के अंदर जो आउटपुट स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो क्या करेगा यहाँ पे क्या आउटपुट स्टेटमेंट है रॉन्ग नंबर, यानी कि अगर आपने नंबर ज़ीरो से छोटा नंबर माइनस वाला नंबर आपने इनपुट किया है या सौ से बड़ा हंड्रेड से बड़ा नंबर इनपुट किया है तो फिर क्या करेगा वो एक ज़ाहिर बात है फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोनों कंडीशन ट्रू होने की जरूरत में भी ये आपका ट्रू हो जाएगा तो फिर ये जो आपका ये जो प्रोग्रामिंग कोड है ये जो पहली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगा वो मैसेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा रॉन्ग नंबर, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है एल्स इफ, और फिर क्या हो जाएगा अगर ये कंडीशन आपकी जो है वो फॉल्स हो जाती है, ये देखिए ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर क्या जो है एल्स वाले पार्ट पर आ जाएगा और एल्स वाले पार्ट पर एक और इफ कंडीशन दी हुई है। इफ कंडीशन कौन सी दी है, इफ नंबर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ये एंड साइन है, ठीक है, एंड साइन है एंड नंबर लेस दैन 40, यानी कि अगर आपका नंबर ज़ीरो से बड़ा है और 40 से छोटा है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होना चाहिए फिर आप फेल हो, फिर आउटपुट क्या शो करवाए फेल है, ठीक है, और ये आपकी फेल आ जाएगा। इसी तरह अगर ये भी आपका नहीं होता ये भी आपका फॉल्स हो जाता है, ये भी आपका क्या हो जाता है ये भी आपका फॉल्स हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा एक और इफ स्टेटमेंट आ जाएगी, एल्स स्टेटमेंट आ जाएगी और एल्स स्टेटमेंट में एक और कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन क्या इफ नंबर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 40 एंड नंबर लेस दैन इज इक्वल टू 59 तो क्या करें सी आउट क्या करें डी ग्रेड, तो फिर क्या हो जाएगा वो डी ग्रेड आ रहे हैं। इसी तरह अगर ये भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या करेगा वो एल्स वाले पार्ट पे आ रहेगा और एल्स पे एक और कंडीशन दी हुई है तो उसी नंबर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 60 एंड नंबर लेस दैन इज इक्वल टू 70, ठीक है, अगर 60 और 70 के दरमियान नंबर है तो फिर क्या करें वो आउटपुट स्टेटमेंट क्या करें सी ग्रेड है। इसी तरह फिर मजीद अगर ये भी नहीं है तो फिर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या करेगा वो एन अदर स्टेटमेंट पे चला जाएगा, वो क्या है वो एस पार्ट पे चला जाएगा, इसके एस पार्ट पे क्या है एक और कंडीशन दी हुई है नंबर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 71 एंड नंबर लेस दैन 79, यानी कि अगर मार्क्स आपके 71 और 79 के दरमियान में है तो क्या करें आउटपुट क्या करें बी ग्रेड, स्क्रीन के ऊपर क्या शो करवा दे पी ग्रेड। अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या करें फिर एल्स आ जाएगा और एल्स पे एक और कंडीशन आ जाएगी इफ नंबर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 80 एंड नंबर लेस दैन इज इक्वल टू 89, अगर इसके दरमियान में मार्क्स है, ठीक है, तो फिर क्या करेगा सी आउट क्या करेगा ए ग्रेड, स्क्रीन के ऊपर क्या शो करवाए ए ग्रेड, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या करें एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एल्स में क्या है फिर एक और कंडीशन है
यहाँ पे क्या है, इफ नंबर ग्रेटर देन 90 एंड नंबर लेस देन 100, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करें, वो स्क्रीन के ऊपर क्या शो करवाए, ए प्लस ग्रेड है। ठीक है, तो ये तो था ग्रेडिंग का प्रोसीजर, यानी कि अगर आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का ग्रेड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप ये प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो ये प्रोग्राम का ग्रेड निकाल देगा। तो जैसे कि ये देखें, आपकी आउटपुट आ गई है। अब ये देखें तो चेक ग्रेड एंटर आ नंबर, ये लिखा हुआ है, तो चेक ग्रेड एंटर आ नंबर, यहाँ से इसने इतना मैसेज जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा दी। और उसके बाद क्या किया, आपसे कीबोर्ड से नंबर मांगा है, सीन क्या है, नंबर मांगा है, और आपने नंबर 75 पुट किया। अब जब 75 पुट किया तो उसने क्या किया, ये प्रोग्राम को रन किया। अब ये देखें 75 जब पुट किया तो फिर ये पहले वाले जो है वो, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये नंबर तो 75 जो है ना वो 0 और 100 के इन बिटवीन है, तो फिर लिहाजा ये भी फॉल्स हो गया। अब ये देखें 75, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब ये देखें, अब नंबर 75 ये देखें ग्रेटर देन इक्वल 60 एंड लेस देन इक्वल टू 70, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये देखें ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 71 एंड लेस देन 79। अब ये देखें ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये दोनों शर्तों में कंडीशन ट्रू हो रही है, तो क्या करेगा, इसकी आउटपुट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा बी ग्रेड, तो ये क्या करेगा, बी ग्रेड प्रिंट करवा देगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये तो था आपका सिंपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इफ एल्स इफ लेटर भी हम इसको कहते हैं। तो इसकी आपने एग्जांपल देखी जब आपने स्टूडेंट्स के ग्रेड निकालने होते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कि आई होप कि आपको लेक्चर समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। और हाँ, एक चीज़ और है, ये जो मैंने प्रोग्रामिंग कोड्स दिए हुए हैं इनकी कंपाइलर पे प्रैक्टिस लाजमी करें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे देन तब ही आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी आएगा। इस तरह लेक्चर को पढ़ लेने या सुन लेने से आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगा, लिहाजा इन जो जितने भी मैंने प्रोग्रामिंग कोड्स दिए हैं इसको कंपाइलर के अंदर लिख के एग्जीक्यूट करवा के लाजमी चेक करें। और आई होप सो, अगर एनी को किसी किस्म की आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे जीमेल पे मेल भी कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हो, मोबाइल नंबर भी लिखा हो, आप उससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और LMS के ज़रिए भी आप अपने क्वेश्चन जो है वो लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।